वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। देखिए, स्पेलिंग टेस्ट सही करने का कुल मिलाकर दो तरीका होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक तरीके के बारे में बात की है, लेकिन थोड़ा सा और समझेंगे यहाँ पे। तो पहला तरीका ये है कि लिख कर प्रैक्टिस करना, यानी कि जो भी मैं यहाँ पे लिस्ट आपको दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, आप देखना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते होंगे या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो ये सब वर्ड आपको ज़रूर मिलेंगे स्पेलिंग टेस्ट में, ठीक है। तो लिखकर प्रैक्टिस करने से क्या मतलब है मेरा, लिखकर प्रैक्टिस करने का मतलब कि स्पेलिंग टेस्ट को सही करने का सबसे उचित तरीका जो है वो ये है कि जितने भी स्पेलिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका लिख के आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो सिंपली वो आपका बहुत ज़्यादा सुधरता है। और दूसरा तरीका ये है कि पूछ कर, यानी कि आपके जो फ्रेंड है, जहाँ भी आप तैयारी करते होंगे या आपसे संबंधित कोई ना कोई ऐसा जरूर आपका मित्र होगा, उससे आप पूछ लिया करिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था बिस्किट का स्पेलिंग, तो आप बिस्किट का पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई थोड़ा सा बिस्किट का स्पेलिंग बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, नहीं आता, आप एक काम करना, पूछना, लेकिन उसके बाद उसको बताना भी। ये नहीं कि आप पूछ लिए और उसको बताया नहीं तो उसको बुरा लगेगा, आप पूछना और ज़्यादा दबाव नहीं देना है और ज़्यादा अपने तेज भी नहीं बनना, तुरंत उसको थोड़ी देर बाद बता देना है कि देखो इसका स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीका बहुत ही मतलब खेल खेल में आप सीख जाएंगे बहुत सी स्पेलिंग। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं और मैं एक एक स्पेलिंग आपको सिंपली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि हर वर्ड का एक साइनोनिम भी आपको बताऊं ताकि वो और भी क्लियर हो सके। पहला वर्ड हमने यहाँ पे लिया है कमेटी। देखिए, कमेटी की स्पेलिंग कई बार पूछा जा चुका है एयरफोर्स नेवी में और कई बार एसएससी में भी। तो यहाँ पे देखिएगा COMMITTEE, ध्यान दीजिएगा, डबल एम है, डबल टी है और डबल ई है। ऐसे वर्ड्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, COMMITTEE। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन वर्ड्स को आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो कमिटी का मतलब होता है समिति या कि फिर सभा, ठीक है। और इसका साइनोनिम की बात करेंगे तो काउंसिल, काउंसिल मतलब भी क्या होता है, समिति, सभा या कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे, अगला है कंपैटिबल। देखिए, कंपैटिबल का मतलब होता है संगत, संगत समझ रहे हैं, COMPATIBLE, कंपैटिबल, कंपैटिबल का मतलब संगत। तो इसके साइनोनिम की यदि बात करेंगे तो रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं एक एक ये स्पेलिंग टेस्ट का वीडियो है लेकिन साइनोनिम भी साथ में बता रहा हूँ ताकि आपका ये और अच्छा आसानी से समझ में आ जाए और साइनोनिम भी साथ ही साथ इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है मुकाबला या कि फिर प्रतियोगिता, COMPETITION, ठीक है। देखिए, इसको रट नहीं सकते, इसको लिखेंगे आप तो सिंपली ये समझ में आ जाएगा। इसके साइनोनिम की बात यदि करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा या कि फिर ड्यूटी, ठीक है। सॉरी, कंपटीशन का हो जाएगा आपका फाइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में देखिए, कह रहा है फोर्थ में जो है कि कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, COMMITMENT, कमिटमेंट। इसका हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी या कि फिर ड्यूटी। अगले पांचवें नंबर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चैलेंज। देखिए, चैलेंज की स्पेलिंग कई बार पूछा जा चुका है, CHALLENGE, चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती। यदि इसके साइनोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन या कि फिर डिसएग्री या डिस्प्यूट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैटेलॉग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज की वीडियो में जितने भी वर्ड है वो बहुत सेलेक्टेड हैं क्योंकि ये धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। कैटेलॉग का मतलब होता है सूची या सूची पत्र, तालिका आप समझ सकते हैं, CATALOGUE, ठीक है। तो इसके यदि साइनोनिम की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा क्लासिफाई या कैटेगराइज या कि फिर इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला है कंसीड। देखिए, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना या कि फिर मान लेना, तो CONCEDE, कंसीड, स्पेलिंग याद रखेंगे। इसका साइनोनिम की बात करेंगे तो यह हो जाएगा सरेंडर या कि फिर एक्सेप्ट या ग्रांट। लास्ट वर्ड है आज के लिए सीग्रेट। देखिए, सीग्रेट की स्पेलिंग कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे इसको, सीग्रेट मतलब होता है, आप समझते हैं सीग्रेट मतलब ही सीग्रेट होता है, एक प्रकार का सिलेंडर होता है कागज़ का जिसमें तंबाकू भरा रहता है, ठीक है। तो CIGARETTE, सीग्रेट, ठीक है। और देखिए, एक सीग्रेट होता है एक सीक्रेट होता है, तो सीक्रेट की स्पेलिंग होती है
SECRET, सीक्रेट मतलब होता है गुप्त, लेकिन सीग्रेट मतलब सिगरेट होता है। इसके साइनोनिम की बात करेंगे तो साइनोनिम में इसका स्मोक होता है, बट होता है BUTT, और इसको कैंसर स्टिक भी बोलते हैं। सिगरेट को क्या बोलते हैं? कैंसर स्टिक, यानी क्योंकि इससे कैंसर होता है तो कैंसर स्टिक बोल सकते हैं इसको, इसका साइनोनिम होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी चीज़ों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इसको ईमानदारी पूर्वक अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि इसी वीडियो में से आपके एग्जामिनेशन में स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन फंसे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।